दोस्तों, आज हम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाली पोएम। तो इस पोएम में हम क्या देखेंगे, देखिए जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हम सब जानते हैं कि दे आर डेंजरस, राइट? एंड उनको देखने का हम सबको बहुत शौक भी होता है, तो हम जंगल्स में जाके उनको देखते हैं। तो किस तरह से हम किसी वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से करेक्टरिस्टिक्स है जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल ये वाला है। तो इस पोएम में हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में देखेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है जिनसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है? सो बहुत ह्यूमरस पोएम है, एक ह्यूमर प्लस इंफॉर्मेटिव पोएम है। ह्यूमर कैसे, बहुत हंसी मजाक में इस पोएम में हमको डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है जो कि वाइल्ड है। तो इंफॉर्मेटिव ऐसे हुए कि इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स जानने को मिलेंगे, और उन करेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से आपको बहुत हेल्प होगी कि किस तरह से आप बता सकते हो कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड अ टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो अगर आप बाय चांस जंगल्स इन द ईस्ट में जाते हो, यानी अगर हम देखें तो ईस्ट के जो जंगल्स हैं, अगर आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ विज़िट करते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप मिलते हो एडवांस, यानी कि आपको एक एनिमल दिखता है आपके आगे जो आप पे अटैक कर रहा है। सो एडवांस मीन्स ही इज़ अटैकिंग यू, दैट एनिमल इज़ अटैकिंग यू। और वो कैसा है, लार्ज और टॉनी है। टॉनी यानी कि येल्लो विश ब्राउन उसका कलर है, ठीक है। सो टॉनी इज़ बेसिकली अ येलो ब्राउन कलर। तो वो एक बीस्ट यानी क्रिएचर है, लार्ज और येलोविश ब्राउन कलर का। ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, तो बहुत लाउडली वो रोर करता है, घुर्राता है, और ऐसे घुर्राता है कि बस आपको लगता है कि मेरी तो जान गई। तो अब आपको ये पता चल गया है कि वो क्या है, एशियाटिक लायन है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर बताए थे, क्या क्या बताए थे, देखो कहाँ मिलेगा ये, इन द ईस्ट, ठीक है। एंड इसका फिर साइज़ बताया था और कलर बताया था, अपीयरेंस इसका बताया था। तो इट्स लार्ज इन टॉनी बीस्ट, और कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, ही रोर्स एट यू, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड स्टैंसा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So, अब आगे क्या होता है, आप घूम रहे हो जंगल में और आपको एक noble wild beast दिखता है। Noble means a majestic, royal, okay? Royal looking animal. Noble means a royal looking animal. And it's a wild beast. Wild means again a wild creature, wild animal. And this animal greets you. Greets you means, it doesn't mean he or she welcomes you. This animal doesn't welcome you, aiye sir, aiye madam. It means ki you face this animal advances you. Okay, this animal tries to attack on you. एंड इस एनिमल का कलर कैसा है, येलो ग्राउंड, यानी कि कंप्लीट इसका जो स्किन है वो येलो है, उसमें ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ये आपको खा जाएगा। सो ये जो रूल है, ठीक है, क्या रूल है कि किस कलर का है, क्या है, सब बताया। सो दिस इज़ द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिस्कर्न मीन्स टू आइडेंटिफाई। सो दिस इज़ द बंगाल टाइगर दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। नाउ यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ह्यूमर इधर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वो एनिमल आपको खाएगा, और जैसे वो आपको खाया तो आप समझ जाओ भाई कि बंगाल टाइगर है। अब कोई एनिमल अगर आपको खा गया, आप मर गए, तो आप क्या बाद में पहचान सकोगे कौन सा एनिमल है? सो इट्स अगेन अ ह्यूमर कि खाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो ये एनिमल है, ओके? सो इट डजेंट मेक्स अ लॉट सेंस, राइट? तो एक ह्यूमर है यहाँ पे। इफ इज स्ट्रॉलिंग फोर, तो अब आप स्लोली वॉक कर रहे हो आगे, अब बीस्ट ही ओव्यू,
बीस्ट मीन्स अ क्रिएचर यू व्यू आपको दिखता है हुज हाइट विद स्पॉट इज पेपर्ड हाइट होता है इसका स्किन तो इसका जो स्किन है वो ब्लैक डॉट से स्पॉटेड है ठीक है एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू अब जैसे वो आप पर झपटेगा यू विल नो इट इज़ अ लियोपर्ड तो ये लियोपर्ड है ओके सो जैसे वो आप पे झपटा पहचान गए वो लियोपर्ड है इट विल डू नो गुड टू रो विथ पेन ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन तो अब जब वो आप पे झपटा आप डर गए और आप खूब तेज चिल्लाए विथ पेन कोई फ़ायदा नहीं है चिल्लाने का क्योंकि जितना चिल्लाओगे वो आपको उतना ही झपटेगा क्योंकि वो आपको मारना चाहता है सो टू किल यू आपने जितना आवाज़ निकाला जितना मूवमेंट दिखाया वो आपको और मारेगा अनटिल नेस आप कम्प्लीटली डेड ना हो जाओ सो इट्स बेटर टू बी क्वाइट ठीक है टाइम ये आया लेपर्ड आप लेट गए शांति से जस्ट यू आर एक्टिंग यू आर ऑलरेडी डेड सो दिस एनिमल विल डोंट हार्म यू एनीमोर If when you are walking round your yard, yard means garden, okay? Yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it's a bear. If you have any doubt, I guess, he will give you just one caress. So, बहुत ज़्यादा humorous है ये वाला stanza. One of the most humorous stanza and some people doesn't able to understand this particular stanza. So, let me explain you. आप अपने yard में हो अपने garden में हो अब देखो Indian gardens में it's not at all very familiar. अगर आपको ये animal देखना है तो it is not at all present in your colonies. ठीक है तो ये एक animal है जो कई बड़े bungalows में उनके yards में आता है यानी कि उनके garden में आता है So you meet a creature there who hugs you very very hard. तो ये animal आपको hug करेगा ठीक है और when it hugs you very hard just understand it is a bear. अगर आपको अभी भी कोई doubt होता है तो फिर से वो आपको hug करके बताएगा ठीक है and ये जो last line mentioned है it is a sarcastically mentioned है सरकास्टिकल लाइन सरकास्टिकल मतलब व्यंगात्मक है ये कैसे व्यंगात्मक है दरअसल बियर जो होता है ये बहुत अच्छा रेसलर होता है सो दैट इज़ वाई क्या करता है कि बहुत अच्छे से जब ये फाइट कर रहा होता है सो ये आपको हग करता है हग इतना टाइटली करता है कि आपका जो विंड पाइप है वो चोक हो जाए आप अंदर एयर ना ले पाओ और तब आप बहुत आसानी से बहुत आराम से जो है वो ये गेस कर सकते हैं कि ये क्या है बेयर है ठीक है सो वो केयरेस का क्या मतलब है जेंटल टच तो जेंटल टच ये सरकास्टिकली यूज़ किया गया कि फिर से वो आपको एक बहुत जेंटली पकड़ेगा नो जेंटली नहीं बहुत हार्शली पकड़ेगा अनटिल एंड अनलेस आपका जो विंड पाइप है वो चोक ना हो जाए Though to distinguish beast of prey, a novice might nonetheless, the crocodile you always may tell from the hyena does. Hyena comes with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. इसका क्या मतलब था? See, अभी you are new people, you are beginners, आपको अभी नहीं पता है wild animals के बारे में, learning about them. So, a novice, novice means it's a new job for you. ठीक है एंड यू माइट कन्फ्यूज व्हेन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू बीस्ट बिटवीन टू एनिमल्स बिटवीन टू क्रिएचर्स सो हेयर इज़ वन अनदर डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइना एंड अ क्रोकोडाइल हाइना क्या है इट अपीयर्स लाइक अ डॉग ओके और क्रोकोडाइल वी ऑल आर फैमिलियर इंडिया में इसको घड़ियाल्स कहते हैं राइट सो क्रोकोडाइल कैसा होगा और हाइना कैसा होगा हाइना जब भी अपना जो एनिमल है उसको खाने के लिए आता है जब भी वो प्रे करने के लिए आता है तो उसके फेस पे एक स्माइल होता है या यू कैन सी कि एक स्माइल है हंस रहा है ये ही इज़ लाफिंग राइट व्हेन क्रोकोडाइल्स आर कमिंग फॉर देयर प्रे दे वीप वीप मींस दे क्राई
सुना है ये आपने, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल के आंसू। सो बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, सो अगर वो रोते हैं ना, दैट मीन्स दे आर नॉट क्राइंग रियली, दे आर बेसिकली देयर टेंडेंसी व्हेन दे आर ईटिंग, व्हेन दे आर टेकिंग देयर प्रे, दे आर कैचिंग देयर प्रे, दे क्राई, ओके। सो दीज आर क्रोकोडाइल्स। The true camelon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the camelon you see. तो camelon, या इसको camelon भी कहते हैं, तो camelon क्या है या camelon क्या है? So chameleon is basically a small, बहुत छोटा सा होता है। अगर रियल कैमेलॉन देखा होगा तो बहुत छोटा होता है। कैमेलॉन बेसिकली इज गिरगिट, ठीक है। अच्छा, गिरगिट से याद आया ना, बोलता है गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। सो गिरगिट का ये एक क्वालिटी होता है, कैमेलॉन का एक क्वालिटी होता है कि ये कैमोफ्लेज कर सकता है, दैट मीन्स अपना कलर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर एक पेड़ की लीफ पे बैठा है तो इट वुड बी ग्रीन, अगर वो पेड़ की ट्रंक पे बैठा है तो इट वुड बी ब्राउन, ठीक है। अगर वो फ्लावर पे बैठा है तो वुड बी ऑफ एनी अदर कलर। सो ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली अपना कलर बदल सकता है, चेंज कर सकता है। सो ये बेसिकली एक लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, छोटा सा जो हमारा लिजार्ड घर पे दिखता है वैसा होता है। इसके ईयर्स नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, और इसके पास एक भी विंग नहीं होता है। विंग्स यानी कि पंख वंख कुछ नहीं होते हैं। और अगर आपको ट्री पे दिखे कि यार इट्स अ फॉरेस्ट एंड इट्स अ ट्री, देयर इज नो एनिमल, वाओ इट्स अमेजिंग, नो इंसेक्ट, नो क्रिएचर, इट्स अमेजिंग। सो नो नो, इट्स डजंट अमेजेस, द अमेजिंग थिंग इज इट इज देयर इज अ कैमेलॉन जिसने अपना कलर चेंज कर लिया है और वो आपको आपकी आईज की आइडेंटिफिकेशन में नहीं आ रहा है। सो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यहाँ पे बैठा होगा एक कैमेलियन, यू कैन सी दिस, ये जो टी आई एस है इट इज़ बेसिकली दिस, इट इज़, उसको बोलेंगे हम इट इज़, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। देखो, हमने टाइगर वाले स्टैंजा में देखा था जहाँ पे हमने बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई किया था, उसमें बोला था कि इसका जो पूरा बॉडी का बैकग्राउंड है, इसका जो पूरा बॉडी का कलर है, इट इज़ येलो। सो येलो ग्राउंड पर उसमें क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स है। सो येलो ग्राउंड बेसिकली इज येलो कंप्लीट बैकग्राउंड। डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, मेक आउट, नोटिस, हाइट मीन्स एनिमल स्किन, पेपर्ड मीन्स कवर विद स्पॉट्स, केयरस अ जेंटल लविंग टच, नोविस मीन्स समवन न्यू टू अ जॉब। सो हियर वी आर न्यू टू अ जॉब वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, ठीक है। एंड दैट इज वाई वी आर नॉन प्लस ना, वी आर क्वाइट कन्फ्यूज पजल कि भाई ये कैसे डिस्टिंग्विश करा जाएगा ना एनिमल्स को। सो यहाँ पे था ना नॉन प्लस और नोविस, तो नोविस मतलब कि यू आर न्यू पीपल, यू आर न्यू टू दिस जॉब, ठीक है, एंड यू माइट बी कन्फ्यूज विद दैट, ओके। सो ये हो गई पूरी पोएम हमारी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको मज़ा आया हो। बाय।